मुनि श्री विनय सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में भिंड स्थित श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन धनवंती बाई मंदिर में चल रहे श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान का हुआ समापन। अष्टानिका महापर्व के अवसर पर हो रहा था आयोजन। आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज के प्रभावक शिष्य उपाध्याय श्री विज्ञानंद जी मुनिराज सत्संग का वासु विज्ञा वर्षायोग टूंडला में होगा सम्पन्न। संगम मैरिज होम में होगी मंगल कलश स्थापना। जबलपुर के अमृत तीर्थ जिनाले में होगा आरिका श्री पुराणमती माता जी और आरिका श्री दिव्यमती माता जी का ज्ञान अमृत पावन वर्ष योग। 28 जुलाई को होगी मंगल कलश स्थापना। 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की तपोस्थली उपसर्ग एवं केवल ज्ञान भूमि श्री अहिश्चत्र पार्श्वनाथ दिगंबर जैन ज्ञान तीर्थ लाल मंदिर में 11 अगस्त को आयोजित होगा श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान निर्वाण लाडू महोत्सव। मुनि श्री आस्तिक के सागर जी महाराज और मुनि श्री प्रणित सागर जी महाराज सत्संग का चातुर्मास जबलपुर के गोल बाजार स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन बोर्डिंग मंदिर में होना सुनिश्चित। 23 जुलाई को होगी कलश स्थापना। जयपुर के मीरा मार्ग में हुए अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज सत्संग के पदार्पण के बाद 19 जुलाई की शाम बाकलीवाल फार्म हाउस में सकल जैन समाज ने गुरुवर के सानिध्य में किया चातुर्मास मंगल प्रवेश पोस्टर का विमोचन। आरिका श्री श्रुतमती माताजी और आरिका श्री सुबोधमती माताजी गंगापुर सिटी में है विराजमान। 19 जुलाई को द्वय आरिका संघ का आशीर्वाद लेने पहुंचे कलेक्टर श्रीयुत रवि वर्मा। राजस्थान जैन युवा महासभा के तत्वावधान में चल रहा है 15,000 पौधा रोपण का अभियान। जयपुर जिला शाखा टोंक रोड मानसरोवर संभाग दुर्गापुर जोन के सहयोग से दुर्गापुर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में लगाए गए पौधे। 19 जुलाई को जयपुर के दुर्गापुर स्थित श्री चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर जी में हुआ मुनि श्री पावन सागर जी महाराज और मुनि श्री सुभद्र सागर जी महाराज का मंगल प्रवेश। आगमन के बाद मंदिर में आयोजित हुई धर्म सभा।